सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजरात में पिछले 8-10 सालों के दौरान दो चार नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं, एक दो नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, आई रिपीट, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,75,000 करोड़ है। उतना ड्रग्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे, यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रग्स पकड़ा गया, पत्रकार साथियों आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गौतम अदानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ बलात्कार करने का, लगातार बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। दिस इज डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गौड़से के भक्तों ने इतने संगीन दो एफआईआर मुझ पर कर दिए। व्हाट डज इट शो, ये क्या दिखाता है? लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।